हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल लाइफ इज ऑसम। सबसे ऑल थैंक यू सो मच आप सभी व्यूअर्स को जो इतने मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आज मैं आपको कुछ इंटीरियर डिज़ाइंस बताना चाहता हूँ घर का पूरा कंप्लीट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे रिक्वेस्ट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल को भी। एंड डोंट टैप बेल आइकॉन, जस्ट हेल्प मी टू रीच मोर सपोर्ट। तो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरे वीडियोस दिखा दूंगा घर के पूरा खूबसूरत। एंड नो रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउसेस, सो लेट्स वॉच। तो कभी भी क्या करिए दोस्तों, अगर किसी को हेल्प करना चाहते हो तो जरूर हेल्प करिए, जिसको नेसेसरी हेल्प का डेफिनेटली lots of power in the help. So if you help someone another day, some other person will definitely help you when you are in problem. If you help someone, definitely you are very much happy in your life. तो देखिए, एक मेन डोर डिज़ाइन, पार्टीशन डिज़ाइन, जैसा बेडरूम को आते हैं उस तरह का डिजिटल हाई ग्लोसी डिज़ाइंस, हाई ग्लोसी डोर्स है। तो इस तरह का आप भी अप्लाई कर सकते हैं आप अपने घर के लिए। एंड हॉल के अंदर टीवी शोकेस, एक सिंपल टीवी शोकेस किस तरह से बना सकते हैं वो एक डिज़ाइन है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा, एक वॉलपेपर है, कोई कलर नहीं है। वॉलपेपर्स रेडीमेड मिलते हैं बट उसका काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है वॉलपेपर्स का भी। प्लाईवुड का काफ़ी कम इस्तेमाल है, अगर लोग क्या करें आजकल चारकोल शीट लगा रहे हैं पीछे, जो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा बट परमानेंट रहेगा। वॉलपेपर रहा तो आपको वेटनेस का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, अगर आपका दीवार जो है गीला होने का मैक्सिमम चांसेस रहते हैं बारिश के मौसम में, तो उस वक्त क्या है आपको दिक्कत होता है, वो निकलने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। और ये बाथरूम में इस तरह का टाइल्स है, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये वाटर मिक्सर और टाइल्स सिरेमिक टाइल्स, इसका कॉस्ट आपको 100 रुपीज़ 200 पर स्क्वायर फीट उसके अनुसार मिल जाएंगे। और ये है फ्रंट एलिवेशन 30x50 हाउस प्लान। दिस हाउस प्लान एंड इसका पूरा कंप्लीट डिज़ाइन अंडर द गाइडेंस ऑफ इंजीनियर महेश फ्रॉम विद्यानगर, उनका अंडर ही है। तो नो रोल इन द कंस्ट्रक्शन, जस्ट टाइम आई टुक द वीडियो एंड फोटोज, दैट्स ऑल। तो देखिए, इसका फ्रंट एलिवेशन इस तरह से आया है, जब आप देखेंगे तो इस तरह से लगेगा। तो मेन थिंग जो है कलर कॉम्बिनेशन, आप किस तरह से करते हैं कलर्स, उस पर टोटली निर्भर है, डिपेंडेंट है कलर्स। इस तरह का ग्रू लिया गया है इन बिटवीन में 6 इंच का एक एक साइज़, और इन बिटवीन जो है एक 3x4 से लेके 1 इंच तक जगह छोड़ना चाहिए इन बिटवीन। एंड यहाँ पे ऐसा कर्व जैसा, मेन प्रॉब्लम क्या है प्लास्टरिंग करते हुए, एक कर्व आना काफ़ी नेसेसरी है। ओवल शेप में, यस टाइप में लिया गया, और इस तरह से एक डिज़ाइन कंपाउंड वॉल के लिए। इसको और कुछ डिफरेंट कर सकते थे बट यही सेम पैटर्न, बट उसको कुछ अलग भी कर सकते थे और थोड़ा कुछ एडिशनल टाइम देखे। एंड सामने इस तरह का ग्रूज, यहाँ पे ग्रूज लिया गया है, पट्टी लिया गया है। तो देखिए, इस तरह से दिखता है, जब आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस, डिज़ाइन भी काफ़ी सुंदर है। ये 30 फीट है फ्रंट में जो है, 30 फीट एग्जैक्ट। एंड ये बाथरूम में टाइल्स इस तरह का। बाथरूम में टाइल्स सेम। और देखिए, सागवान का लकड़ी है, सागवान के लकड़ी से आप इस तरह से डोर्स बना सकते हैं। तो लोग मानते हैं कि एक साइड में जो है आजू बाजू कभी दरवाज़ा नहीं रहना चाहिए, बिकॉज देखिए अगर आप रेंट दिए तो काफ़ी डिस्टर्ब होने का चांसेस रहता, रेंट और ओनर आने जाने वक्त क्या है
उनका प्राइवेसी उनको दिखता है, तो उस तरह से प्रॉब्लम चांसेस रहते हैं। एंड सामने एंट्रेंस पे टाइल्स पे आजकल आ रहे हैं, जैसे स्टेयरकेस का लैंडिंग के पास लगा सकते हैं आप, स्पेशली वहाँ पे। सेम उसी तरह से मेन डोर डिज़ाइन एंड किचन में इस तरह का। ये फर्नीचर पे, फर्नीचर से इस तरह से आप बना सकते हो। ये चीज़ आप सभी जानते हैं, अगर डॉग को डोर जो रहता है ना पूरा नहीं खुलना भूल के, इस तरह से आप लगा सकते हैं आप अपने घर में भी। अगर पेपर वाला आया बाहर से अंदर से, आपके कोई भी गेस्ट को अंदर अंदर उन्हें नहीं आना चाहिए, बस अपना एक हाथ कन्वीनियंट से जाना चाहिए, तो उस वक्त क्या है हेल्पफुल रहेगा। डोर लॉक है ये, बस थोड़ा ही खुल जाता है। एंड किचन टाइल्स और किचन वॉल टाइल्स बहुत खूबसूरत दिख रहा है। बट एक चीज़ बताना हो दोस्तों, कभी भी क्या है किचन प्लेटफॉर्म काले कलर का ही ग्रेनाइट लगा लीजिए, वही सूटेबल होता है। अगर आप कलर के लगा देंगे या फिर इस तरह के डिज़ाइन के लगाए तो देखने में थोड़ा सा चेंज, ब्लैक रहा तो कन्वीनियंट रहेगा खाना बनाते वक्त। तो फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को पूरा वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।